मॉर्निंग व्यूअर्स, आर वाटर सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बूस्टर पंप का आर्मेचर के बारे में। एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि बूस्टर पंप का जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो मैं बता दूं, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं उसके आधार पर बता दूं कि बूस्टर पंप का प्रेशर बहुत सारे बातों पर डिपेंड करेगा। अगर आपका बियरिंग गड़बड़ होगा, चौक होगा, जाम होगा, तो बूस्टर पंप का प्रेशर आपका कम हो जाएगा, चाहे वह आगे वाला बियरिंग हो या पीछे वाला बियरिंग हो। इधर 608 नंबर का बियरिंग है और इधर आपका 6203 नंबर का बियरिंग है, और ये एक यूनिट पंप में 608 नंबर का बियरिंग इधर भी होता है, वो अलग बात है। ऐसे जनरली नए पंप की बात करूँ तो ये जो आर्मेचर है उसका जो साइज है कम है, इसका साइज बड़ा है, तो इसके अंदर जो कॉइलिंग होगा उसके लपेटों की संख्या इसमें कम भी हो सकती है, इसमें ज़्यादा हो सकता है। फिर दूसरी बात कि इसका जो कॉइल का जो गेज है वो कम है, इसका कॉइल का गेज ज़्यादा है, मतलब ये जो कॉपर वायर है वो पतला है और इसका जो कॉपर वायर है उससे मोटा है, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर जो भी स्पेयर है उसका हल्का फुल्का जो भी नाम है पता, मैं आपको बता दूं, ये टिथ की तरह कटा कटा हुआ दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपका ये टिथ की तरह कटा कटा हुआ दिखता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं स्टैक टूथ। ये जो कटा कटा हुआ दिखता है ये धारी जैसा, और ये जो गैप है इसके बीच में जो गैप है उसके बोलते हैं स्टैक स्लॉट, स्टैक स्लॉट के नाम से जाना जाता है। इसे वाइंडिंग कॉइल बोलते हैं, और ये वाला कम्यूटेटर बार के नाम से जाना जाता है, इस पार्ट्स को कम्यूटेटर बार बोलते हैं, और ये आर्मेचर शाफ्ट के नाम से जाना जाता है, ये आर्मेचर शाफ्ट। ये बॉल बियरिंग है 608 नंबर का, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर स्टैक के नाम से जाना जाता है, और ये पूरा ये जो बीच में ये जो आयरन रड है उसके एक्सल के नाम से जाते हैं, शाफ्ट बोलिए एक्सल बोलिए, हल्का फुल्का जो भी हमें पता है मैं अपने हिसाब से बतलाया। अगर हमारे किसी व्यूअर को हमसे अगर ज़्यादा नॉलेज हो तो वह हमें अपना नॉलेज शेयर करेंगे। ये आपका कार्बन ब्रश है, और मैं बता दूँ इसका फंक्शन आर्मेचर के अंदर आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इसका ड्राइव असेंबली है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेट लगा है, उसका रिलेटिव मोशन के द्वारा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF क्रिएट होता है। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर्मेचर के करंट को अपोज करता है, फिर यह आर्मेचर टॉर्क के रूप में मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, और तब यह शाफ्ट के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर्मेचर करंट के रूप में ड्राइव हो जाता है, और इसका शाफ्ट का मूवमेंट इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। आर्मेचर वायरिंग का कॉपर या एल्युमिनियम का होता है, कॉपर आर्मेचर वायरिंग हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को एनहेंस करता है, जबकि एल्युमिनियम आर्मेचर वायरिंग हर मामले में लाइटर होता है। तो इस तरीके से आर्मेचर के बारे में हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त है मैंने आपको शेयर किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि हमारे आप नए व्यूअर हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।